नमस्कार, मैं विजय मावाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में। जो हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास के बेस्ट के ऊपर है या 12th क्लास बेस्ट है, जिसके अंदर कल जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था उसका सिलेबस, इंग्लिश के अंदर कौन सा टॉपिक है, वो कितने नंबर का किस प्रकार से डिवाइड होता है वो देखा था। आज हम हमारे सिलेबस के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नोटिस राइटिंग। अब नोटिस राइटिंग की स्टार्टिंग अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है वो देखते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा बहुत ही सिंपल सी होती है कि यह है एक संक्षिप्त सूचना पत्र होता है। संक्षिप्त का मतलब जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट भी आ जाए और वहां पर वर्ड्स का अपने को ज्यादा यूज भी ना करना पड़े। अब इसमें किस किस प्रकार की सूचनाएं होती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर इसमें किसी घटना कोई समारोह हो सकता है, किसी प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हो सकती है, प्रतियोगिता या कोई दुर्घटना हो जाए या जन्म मृत्यु आदि की सूचनाएं पत्रिका में प्रकाशित की जाती है। मतलब परिभाषा के अंदर क्या हुआ, यह संक्षिप्त सूचना पत्र होता है जिसमें किसी प्रकार की घटना भी शामिल हो सकती है, समारोह, प्रतियोगिता, दुर्घटना आदि को शामिल किया जाता है, जन्म मृत्यु से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन वगैरह भी। उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ली जाए तो इंग्लिश की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए एब्स्ट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन लेटर। यह एक संक्षिप्त सूचना पत्र होता है एंड इन इट पब्लिश एनी टाइप ऑफ इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, डेथ, बर्थ एंड फंक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा इन्वॉल्व इट। तो मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर जितने प्रकार की घटना, समारोह है, प्रतियोगिता, दुर्घटना, जन्म मृत्यु आदि की इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रकाशित की जाती है। अब देखते हैं इसके फॉर्मेट के ऊपर। ये डेफिनेशन के बाद में इसके आता है फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट इसको बोल सकते हैं, बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग। बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, तो बेसिक फॉर्मेट में क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो इंक्लूड किए जाते हैं वो हमारे द्वारा इसमें देखे जाएंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक बॉक्स का निर्माण हम करेंगे और स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या क्या लिखेंगे वो चीज देखेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग है वो की जाती है जिसके अंदर आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। तो इसका पहला पॉइंट क्या बना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अपन नोटिस राइटिंग करेंगे तो जिस संस्था के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई सूचना वगैरह दी जा रही है, तो संस्था का नाम यहां पर लिखेंगे, कोमा लगाकर वो संस्था कहाँ की है उसका नाम लिखेंगे। हिंट के रूप में अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू लें तो जैसे किसी प्रिंसिपल के द्वारा अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कोई इंफॉर्मेशन दी जानी है,
तो वहां पर जो प्रिंसिपल है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है उसे का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मान लो वो किसी संस्था से बिलोंग कर रहा है तो संस्था उनकी क्या होगी, विद्यालय। तो विद्यालय में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ जाएगा वहां पर। और फिर वो संस्था कहाँ की है उस स्थान का नाम लिख दिया जाएगा। इसके अंदर विशेष बात क्या क्या बात याद रखनी है, एक तो कोमा का यूज अपने को ध्यान रखना है, फिर जो स्थान का नाम लिखेंगे उससे पहले कोमा का यूज करना है, और याद रखना है कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। मतलब यहाँ पर जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेस लिखेंगे उनके अंदर आने वाले प्रत्येक अक्षर को कैपिटल लेटर के रूप में लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट आता है डेट, दिनांक। तो डेट के लिए थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई होती है विद्यार्थियों के लिए, तो उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाता है। कि जो तिथि है उसमें डेट शब्द का मेंशन अपन नहीं करेंगे। पहली बात तो अपने को याद रखनी है कि इसको लिखते टाइम पर इसके अंदर बोल सकते हैं डोंट मेंशन द वर्ड ऑफ डेट, मतलब डेट शब्द का उल्लेख ना करें। डेट नहीं लिखनी है, डायरेक्ट तिथि लिखनी है। और डायरेक्ट तिथि लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं उसको, जैसे कि मान लो लिखा जाए 10 जुलाई 2020। यहाँ पर 10 जुलाई 2020 डायरेक्ट यहाँ पर हमारे द्वारा डेट लिखी गई है, डेट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर डेट शब्द है वो आपको कई जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेस के दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको डेट शब्द मिल सकता है। कुछ आपको नोटिस ऐसे मिल सकते हैं जहां पर नोटिस शब्द जो लिखा हुआ होता है उसके दाएं तरफ भी आपको नोटिस, वो सॉरी डेट शब्द है वो मिल सकता है। लेकिन आपको तीनों जगह आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं, उसको गलत नहीं माना जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ हमारा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस, इसके लिए कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। दूसरा शब्द पॉइंट हुआ हमारे पास डेट, डेट शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे, डायरेक्ट डेट लिखेंगे। तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है जो बॉक्स अपन बना रखे हैं उसके बीचों बीच हमें एक नोटिस शब्द लिखना है, नोटिस शब्द है वो लिखना है। नोटिस शब्द की विशेषता क्या होगी, इसको भी कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखेंगे, यानी ये भी क्या होगा कैपिटल लेटर। तो अब देखो ये भी कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर तो यानी कि जो नॉर्मल साइज होती है उसमें रहेगा, लेकिन इस नोटिस शब्द को है वो हम कैपिटल 16 बॉन्ड साइज में लिख देंगे, बॉन्ड यानी उसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा वो नोटिस शब्द के जस्ट नीचे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग। डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग का मतलब हुआ कि जिस विषय पर हम नोटिस राइटिंग कर रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पर लिखा जाएगा, उसको एक टाइटल के रूप में लिखा जाएगा, या इसको ऐसे बोल सकते हैं यानी इसका टाइटल यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग ना लिखकर यहाँ पर टाइटल भी लिख सकते हैं। इसकी भी एक प्रमुख विशेषता होती है, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये भी कैपिटल लेटर के रूप में लिखा जाता है, ये भी कैपिटल लेटर के रूप में लिखा जाएगा। अब तक हमारे पास में 4 पॉइंट प्राप्त हुए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस कैपिटल लेटर के अंदर आएगा, उसके जस्ट नीचे दाईं बाईं तरफ, दाईं या बाईं तरफ आप डेट का मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डेट शब्द का मेंशन हमें नहीं करना है, डायरेक्ट तिथि लिखी जाएगी। उसके जस्ट नीचे जो बॉक्स हमने बना रखा है उसके बीचों बीच नोटिस शब्द का उल्लेख करेंगे, इसको थोड़ा बॉन्ड साइज में लिखेंगे। जस्ट नीचे डिस्क्रिप्टिव हेडिंग होगी, जिस विषय पर अपन नोटिस लिख रहे हैं उसकी हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो होता है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, इसको कई नामों से जाना जाता है, इसको कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, कन्वर्जेशन भी बोल सकते हैं, इसको सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हमें बातें
नोटिस के माध्यम से पहुंचानी है, उसको बोलेंगे कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस की विषय वस्तु यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर संपूर्ण नोटिस की बात यहाँ पर उल्लेख करेंगे, कोई फॉर्मेलिटीज वगैरह यहाँ पर नहीं करनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली देनी है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कंटेंट्स। कंटेंट्स के बाद में थोड़ा गैप आपको यहाँ पर छोड़ना है ना। Have some space या gap after contents। contents के बाद में थोड़ा बहुत gap रखें, उसके बाद में क्या आ जाएगा यहां पर signature। signature सिग्नेचर किसका होगा? नोटिस जारी करने वाले का, जो नोटिस लिख रहा है उसका यहाँ पर सिग्नेचर का उल्लेख कर दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका सिग्नेचर। सिग्नेचर के बाद में यदि मान लो जैसे डायरेक्टली प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं जिनके द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है, उनका स्पेशल सिग्नेचर होता है, इसलिए पॉइंट का उल्लेख करना आवश्यक होता है। उसके बाद आता है नेम, नेम आएगा जिस व्यक्ति के द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है उसका नाम यहां पर उल्लेख किया जाएगा, और लास्ट पॉइंट हो जाता है डिसिग्नेशन, इसको बोलते हैं पदवी। अगर नोटिस जारी करने वाला किसी पद पर कार्यरत है तो उसके पद का नाम यहां पर लिखा जाएगा। तो वापस ध्यान देना, हमारे नोटिस टॉपिक का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस, यानी कि जिस संस्था के द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है उस संस्था का नाम और उसके स्थान का नाम, इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरा वर्ड आता है डेट, डेट का उल्लेख हम इस ऑर्गेनाइजेशन से दाएं बाएं तरफ भी कर सकते हैं, और नोटिस शब्द के दाएं तरफ भी यहां पर किया जा सकता है। फिर आएगा नोटिस, नोटिस भी कैपिटल लेटर में आएगा लेकिन इसकी साइज बॉन्ड होगी। उसके जस्ट नीचे आएगा डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, डिस्क्रिप्टिव हेडिंग जिस विषय पर अपन नोटिस लिख रहे हैं उसको यहाँ पर लिखा जाएगा, ये भी कैपिटल लेटर के अंदर आएगा। उसके बाद में आता है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, नोटिस की विषय वस्तु जिसमें बिना किसी फॉर्मेलिटी के यहाँ पर सीधे शब्दों के अंदर लिखेंगे। सिग्नेचर, जिस नोटिस जारी करने वाला यदि किसी विशेष पहचान वाला व्यक्तित्व है उसका सिग्नेचर चलने वाला होता है उसका सिग्नेचर यहाँ पर लिखेंगे, और जो व्यक्तित्व नोटिस लिख रहा है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका पदनाम उसके नीचे आ जाएगा। सभी की विषय वस्तु के अनुसार यहाँ पर एक सिग्नल को लिखा जाएगा और आखिर में इस बॉक्स को बंद कर देना है। तो ये है हमारा यानी बेसिक फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, किसी प्रकार का नोटिस लिखोगे ये फॉर्मेट है वो अप्लाई करना है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल, इस प्रकार से। ओके लेट्स स्टार्ट, आवर क्वेश्चन इज दैट यू have lost your English book somewhere in the school campus. Write a notice for your school notice board requesting to the students to return it if they happen to find it. You can
प्रॉमिस ए सूटेबल रिवार्ड। तो हमारी बात में क्वेश्चन ये है कि यू हैव लॉस्ट योर इंग्लिश बुक, कि आपने अपनी इंग्लिश बुक है वो खो दी है समवेयर इन द स्कूल कैंपस। समवेयर का मतलब होता है कहीं पर। इन द स्कूल कैंपस, स्कूल जो प्रांगण होता है वहां पर किसी स्थान पर आपके द्वारा अपनी इंग्लिश की बुक खो दी गई है। तो क्या करना है, राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखना है, एक सूचना लिखनी है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। इसके लिए आप अपने नोटिस बोर्ड के लिए, नोटिस बोर्ड पर आपको एक सूचना लिखनी है। क्या करते हुए, रिक्वेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों से अनुरोध करते हुए, टू रिटर्न इट, कि वो लौटा दें, इफ यदि दे हैपन टू फाइंड इट, यदि उनको प्राप्त हो तो। यदि विद्यार्थियों को वो अगर मान लो कि वो बुक प्राप्त हो जाए तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि इसे नोटिस बोर्ड के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से वो आपकी पुस्तक को लौटा दे। यू कैन प्रोमिस ए सुइटेबल रिवार्ड, आप एक अच्छे से रिवार्ड का वादा भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या हुआ कि हम एक विद्यालय के लिए लिख रहे हैं, तो विद्यालय के लिए क्या जाएगा, यहाँ पर जिस विद्यालय के अंदर हमारे द्वारा इस नोटिस को लिखा जा रहा है उस विद्यालय का यहाँ पर नाम आ जाएगा, और विद्यालय कहाँ पर अवस्थित है उसके स्थान का नाम आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखना चाहते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निवाना जयपुर। अब इसके थ्रू आप यहां पर डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में स्टार्टिंग से एंडिंग तक की लाइन होगी, बराबर स्पेस दे दीजिए, और ये हमारे पास में हो गया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस। ये हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये हुआ हमारे पास प्लेस। यहाँ पर तीन चीजों का उल्लेख किया था कि इसके अंदर सभी अक्षर कैपिटलाइज होंगे, ये दूसरा आया था कोमा का उपयोग करना है, और कोमा के बाद भी स्थान का नाम उल्लेख करना है। दूसरी इसके अंदर बात आई थी, इसके जस्ट बाद भी अपने को डेट का प्रयोग करना है, तो डेट जिस तारीख को ये नोटिस जारी किया जाता है उसी डेट को यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया 10 जून 2020। इसके जस्ट बाद तीसरा वर्ड आया था हमारे पास कि जो हमारे द्वारा बॉक्स बनाया गया है उसके बीचों बीच आपको नोटिस शब्द का उल्लेख करना है, नोटिस शब्द का उल्लेख करना है, और वो भी थोड़ी बॉन्ड साइज के अंदर अपन लिखेंगे। चौथा जो पॉइंट था वो आया था डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, यानी जिस विषय पर आप लिख रहे हो उसके बारे में। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, तो आपके द्वारा कोई चीज खोई गई है तो आपकी हेडिंग हो जाएगी लॉस्ट। तो ये आपकी हेडिंग हो गई है, खोई है, इसलिए हमारे द्वारा हेडिंग क्या लिख दी गई, लॉस्ट। इसको थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं द लॉस्ट इंग्लिश बुक। तो लॉस्ट के बाद में क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश बुक का है उसका भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। तो कंटेंट्स के अंदर देखो हमारे द्वारा, यानी कि यहाँ पर हमारे द्वारा कोई इंग्लिश बुक खोई गई है इसलिए यहाँ पर नोटिस लिखने वाले भी हम हैं, इसलिए वहां पर प्रोनाउन है वो हमारे फेवर में लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर लिखने वाली जो प्रोनाउन की जो शैली होगी वो फर्स्ट पर्सन के रूप में होगी। तो डायरेक्टली अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में बोला जाए तो उसको बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा स्कूल के प्रांगण में कहीं ये बुक खो दी गई है, अगर किसी विद्यार्थी को प्राप्त हो तो मुझे लौटा दे, फिर वहां पर जेल पे। कोई भी यहाँ पर जो वादा है वो किसी भी रूप में किया जा सकता है कोई भी चीज देने का। तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी जैसे I have lost my English book somewhere। तो बहुत ही सिंपल होता है नोटिस राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर आदि लैंग्वेज अपने को क्वेश्चन के अंदर ही दे दी गई है।
I have lost my English book in some year in the school campus. In the school campus. अब दूसरा क्या कहा गया था कि विद्यार्थियों से अनुरोध करना है कि यदि उनको प्राप्त हो जाए तो आपको लौटा दे. तो अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी से अनुरोध करेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, ऐसे के अंदर बना दिया इस वाक्य को, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट इफ दे हैपन टू फाइंड इट, इफ दे फाइंड इट, यदि उनको प्राप्त हो तो कृपया करके लौटा दे. अब इसके बाद में क्या रहा था, यू कैन प्रोमिस ए सुटेबल रिवार्ड, कि आप एक कोई भी अच्छा सा सुटेबल रिवार्ड देना चाहते हैं उसका भी वादा कर सकते हैं. तो वादे के लिए आप किसी भी वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर इंग्लिश बुक है, उसके थ्रू आप किसी भी पेन वगैरह का देने का वादा कर सकते हो, नोटबुक वगैरह देने का वादा कर सकते हो, या यहाँ पर कहा जाए तो ए जेल पेन विल बी रिवार्डेड. तो ये हमारे पास में नोटिस है, उसका कंटेंट्स कंप्लीट होता है. इसके बाद में कहा गया था, इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ना है और सिग्नेचर लिखना है. तो यहाँ पर लिखने वाला कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट वगैरह होने के कारण यहाँ पर उसका विशेष कोई सिग्नेचर नहीं होता है, डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर नाम का उल्लेख नहीं किया गया, तो अपन थोड़ा गैप छोड़कर नाम एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं. कौन है, तो स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट के लिए क्या जाएगा, स्टूडेंट of class 12th, student of class 12th. और इसके बाद इसको box को बंद करो. ये हो गया हमारे पास notice writing complete. तो notice के अंदर बस आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा point है, किस रूप में लिखा जा रहा है, capitalize है, smallize है, किस रूप में लिख रहे हैं, कौन से बिंदु को किस वे में लिखना है, और इस तरीके से आपके जो चार नंबर है वो क्यों भी कंप्लीट होते. इसके जो अन्य एग्जांपल्स हैं वो भी हम अगले वाले वीडियो के अंदर लेकर आएंगे और इस नोटिस राइटिंग को कंप्लीट करेंगे. अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. और यदि मान लो कि आपको इससे भी अच्छे अच्छे कोई एग्जाम्पल्स वगैरह का आंसर और चाहिए तो वो क्वेश्चन भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जिसके अंदर आपको दुविधा हो रही हो. और इस चैनल के अंदर यदि आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पुनः प्राप्त होते रहें. अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद.